सतना जिला मुख्यालय के समीपी गांव पिथौराबाद में पद्मश्री बाबूलाल दाहिया द्वारा स्थापित कृषि आश्रित समाज के उपकरणों की ख्याति अब सात समुन्दर पार भी पहुंचने लगी है। तीन अमरीकी नागरिकों ने पिथौराबाद गांव पहुंचकर कृषि आश्रित समाज के उपकरणों के संग्रहालय का अवलोकन किया और खेत में खड़ी 200 प्रकार की परंपरागत धान का निरीक्षण भी किया। श्री दाहिया द्वारा स्थापित संग्रहालय में पुराने कृषि यंत्रों और बीज बैंक को देखकर विदेशी मेहमान अचंभित रह गए। इन मेहमानों में प्रोफेशनल लेखक एवं प्रोफेसर मिस्टर पीटर, जो कई देशों में घूम घूम कर गुप्त काल के जीवन काल पर नॉवेल लिख रहे हैं, एवं सोसन डोना हुए जो कि कलाकार और वकील हैं, रॉन हॉजस्ट्रेड जो संगीत के अध्यापक हैं, जिले के वरिष्ठ साहित्यकार एवं परंपरागत बीज संरक्षण को लेकर संरक्षण पद्मश्री से सम्मानित बाबूलाल दाहिया अपने घर के दरवाजे पर खड़े तीन विदेशी मेहमानों को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। हालांकि उनके द्वारा कृषि एवं समाज के लोगों को लेकर किए जा रहे नवाचारों को देखने के लिए देश के विभिन्न राज्यों से रोजाना 1 से 2 दर्जन दूसरे प्रदेशों के मेहमान पिथौराबाद पहुंच रहे हैं, लेकिन यह पहला अवसर था जब सात समंदर पार से कोई मेहमान उनके घर पर पहुंचा हो। उनके साथ उपस्थित हरिहर सिंह पटेल, वह एक साथी, ने बताया कि यह तीनों मेहमान अमेरिका से देश भ्रमण के लिए आए हुए हैं और आपके म्यूजियम की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने पिथौराबाद जाने की इच्छा जाहिर की थी। इस दौरान विदेशी पर्यटकों ने श्री दाहिया से दुर्बलता की श्रेणी में जा चुके परंपरागत अनाज और जैविक पद्धति से परंपरागत खेती का महत्व, अवधारणा एवं रासायनिक खेती के दुष्प्रभाव विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की।